नमस्कार, CCL D20 सीरीज में आप सबका स्वागत है। दिवाली में पटाखे और फुलझड़ियाँ तो आप सब छोड़ते आए हैं, लेकिन आज हम अपनी लैब में दो प्रयोगों से एक अनोखे पटाखे की आवाज़ आपको सुनाएंगे और इसकी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को भी समझेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक कोनिकल फ्लास्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा, माचिस की डिबिया, एक बड़ा चिमटा। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क में एक मोलर 100 ml HCl का ले लेते हैं और इसमें 7.5 ग्राम कॉपर क्लोराइड का डालकर इसे अच्छे से घोल लेते हैं। अब इसमें एल्यूमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा डाल लेते हैं। कुछ ही क्षणों में यह मिश्रण बहुत तेजी से रिएक्शन करने लगता है और इस समय इस तरह जलती हुई तीली इस फ्लास्क के मुंह पे लेके जाए तो यह विस्फोटक ध्वनि या पटाखे की आवाज आती है। साथ ही हरे रंग की बड़ी सुंदर लौ दिखाई देती है। जैसे ही अभिक्रिया धीमी हो जाए तो फ्लास्क को तेजी से हिला लें और फिर जलती हुई तीली इसके मुंह के पास लेके आए तो आपको फिर से नाचती हुई हरे रंग की बड़ी सुंदर सी लौ इसके अंदर दिखाई देती है। अब जान लेते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक सतह होती है जो कि एल्यूमिनियम को हवा, पानी और अधिकांश केमिकल के साथ रिएक्शन करने से रोकती है। जैसे ही हम एल्यूमिनियम फॉइल को कॉपर क्लोराइड और HCl के मिक्सर में डालते हैं तो इस मिक्सर में उपस्थित क्लोराइड आयन इस एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर उपस्थित एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सतह को तोड़ देते हैं, जिससे कि एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और कॉपर को कॉपर धातु के रूप में विस्थापित कर देता है। और कॉपर को आप यहाँ पर इस सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं। साथ ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और यही गैस जलने पर पटाखे जैसी पॉप की आवाज़ देती है। और वही दूसरी ओर कॉपर के आयंस जलने पर हरी रंग की बड़ी सुंदर लौ के साथ जल उठते हैं और इस तरह की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। पहले प्रयोग में तो हमने एसिड और एल्यूमिनियम फॉइल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनाई थी, पर अगर एसिड उपलब्ध न हो तो हम घर में प्रयोग होने वाले ड्रेन क्लीनर और एल्यूमिनियम फॉइल की अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रयोग करके देखते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क में 100 ml पानी ले लेते हैं। इसमें एक बड़ा चम्मच ड्रेन क्लीनर का डाल देते हैं। फिर इसमें एल्यूमिनियम फॉइल के कुछ टुकड़े डाल दिए और इस ट्यूब लगी कॉर्क से बंद कर देते हैं। इस ट्यूब का दूसरा सिरा साबुन के घोल से भरी पेट्री डिश या जार में डाल देते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े डालते ही अभिक्रिया शुरू हो जाती है और आप देखते हैं कि यह फ्लास्क बहुत गर्म हो गया है और तेजी से बबल बन रहे हैं और ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं जो कि ट्यूब से होकर इस साबुन के घोल में पहुंचते हैं और यहां पर भी बुलबुले बनने लगते हैं। इन बुलबुलों के ऊपर इस तरह लौ लेके जाएं तो यह पॉप की आवाज के साथ बुलबुले फट जाते हैं। अब समझते हैं कि इस ड्रेन क्लीनर में ऐसा क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रिएक्ट करने पर पटाखे की जैसी पॉप की आवाज आती है। क्या ड्रेन क्लीनर में भी एसिड है? अगर आप ड्रेन क्लीनर के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ड्रेन क्लीनर का मुख्य घटक सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाई है जो कि एक बेस है। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम फॉइल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती है और जो कि जलने पर पॉप की आवाज देती है। अब समझते हैं कि इन दोनों ही अभिक्रियाओं में बनने वाली हाइड्रोजन गैस के जलने पर पटाखे की आवाज़ क्यों आती है। हाइड्रोजन गैस जलने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और पानी बनाती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण आसपास की गर्म हवा का तेजी से फैलाव होता है और फलस्वरूप बनने वाली दाब तरंगों या प्रेशर वेव्स के कारण पॉप की आवाज़ आती है। तो आज के वीडियो में हमने दो तरीकों से हाइड्रोजन गैस बनाई जो कि जलने पर पॉप की आवाज़ देती है। साथ ही हमने देखा कि कॉपर आयंस जलने पर हरी रंग की सुंदर लौ के साथ जलते हैं। है ना बहुत ही रोचक और रंगीन विज्ञान। ध्यान रहे कि ये सभी प्रयोग साइंस टीचर की निगरानी में ही करें और सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे ग्लव्स, लैब कोट और गॉगल्स पहनना न भूलें। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। धन्यवाद।